झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जाति आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। ओबीसी संघर्ष मोर्चा ने मौजूदा आरक्षण को बढ़ाकर 52% करने की मांग रघुवर सरकार से की है, क्योंकि राज्य में पिछड़ी जाति की आबादी लगभग 52% है। संघर्ष मोर्चा का कहना है कि राज्य और देश में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा सर्वोच्च पद पर आसीन है, ऐसे में ओबीसी समाज को हक मिलना चाहिए। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि 52% आबादी वाले ओबीसी समुदाय के साथ सरकार न्याय करे। राज्य में पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समुदाय के साथ नियुक्तियों में रोस्टर घोटाला हुआ है। प्रदेश से सटे राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में ओबीसी समुदाय का आरक्षण 27% या उससे ज्यादा है, लेकिन झारखंड राज्य में 0 से 14% ही है। अभी राज्य में 60% आरक्षण लोगों को मिला हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति को 10%, अनुसूचित जनजाति को 26%, पिछड़ा वर्ग 1 को 8%, पिछड़ा वर्ग 2 को 6% और गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण मिला है। और उस बैठक में चाहते हैं कि ओबीसी समुदाय का जो आरक्षण लंबित है वो उस बैठक में वो पारित कराएं। पिछड़ों की आबादी 52% है, आरक्षण भी 52% मिलना चाहिए। उन्होंने भी आबादी के अनुसार आरक्षण देने की वकालत की थी और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा लगातार इस संदर्भ में आंदोलन करती रही है। दूसरा, हम लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से रोस्टर घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच और क्षतिपूर्ति का भी जो है वो कैबिनेट की बैठक में लाया जाए। साथ में सबसे बड़ी बात है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1260 अराजपत्रित पदाधिकारियों का नियुक्ति होने वाला है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कोई न कोई मुद्दा छाया रहता है। इस बार के चुनाव में कई मुद्दों में से एक आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा है। जितनी भी सरकारें प्रदेश में बनी सभी आरक्षण के मुद्दे से बचती आ रही हैं। सभी अपने अपने वोट बैंक को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। ऐसे में कौन सी पार्टी आरक्षण के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सबरंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।